गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. टुडे दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बिहाइव बुक एंड द चैप्टर नेम इज इफ आई वेयर यू. अंडरस्टूड, ये लास्ट चैप्टर आपकी बिहाइव बुक की, और बुक चैप्टर से ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है, इफ आई वेयर यू. सो लेट अस गो थ्रू द समरी ऑफ द चैप्टर एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको गो थ्रू करेंगे सो दैट द चैप्टर विल बी क्लियर. क्लियर? सो नाउ स्टार्टिंग विद द समरी. If I Wear You summary will assist student in getting to know about this play in a simple manner. Simple way में ये लिखा हुआ है. This play follows the life of a playwright who is named Garland. ठीक है, यहाँ पर एक playwright, that means कि एक इंसान के बारे में बताया गया जो कि playwright है. Playwright means कि वो एक तरह का राइटर का काम करता है. एंड हिज नेम वॉज गारल्ड. दिस प्ले बाय डॉगलस जेम्स इज एन अकाउंट ऑफ हाउ गारल्ड एस्केप्ड अ किलर थ्रू हिज शेयर क्लेवरनेस. ठीक है, और यहाँ पर और एक इंसान के बारे में बताया गया, जेम्स, जो कि एक विलन की तरह था, जो कि उसे पकड़ने आया था या बोल सकते हो किल करने आया था. तो किस तरह से स्किलर से वो क्लेवरनेस वे में अपने आप को बचाता है. इन दिस प्ले वी सी ग्राल्ड इज रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल व्हेन ही इनकाउंटर्स एन इंट्रूडर्स. व्हाट हैपन ना, इस प्ले में बताया गया कि ग्राल्ड जैसे एक प्ले राइटर था, ही वॉज गेटिंग रेडी टू फॉर हिज रिहर्सल. वो अपने रिहर्सल के लिए जाना चाहता था, उसी वक्त उसे इंटरप्ट कर दिया. किसने इंटरप्ट किया? एक एनकाउंटर्ड ने. ठीक है, दस अपॉन फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ फ्लिक्स ग्राल्ड मैनेज टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट टू किल. नाउ व्हाट हैपेंड, ग्राल्ड उसे किस तरह से कन्विंस किया. कन्विंस मतलब बार बार उसके फोर्स करना कि नहीं, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, डोंट किल मी, डोंट गिव मी एनी प्रॉब्लम. We learn that the intruder was planning to assume Garald's identity as the police were looking for him. What happened now? यहाँ पर हमने पता था कि Garald के पास वो क्यों आया था, James, क्योंकि वो as a killer था, तो वो उसे पुलिस खोज रही थी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए Garald के पास आया था. वो सोचा कि Garald का identity वो ले लेगा so that कि वो बच जाएगा. Lucky for Garald, his cleverness and wit saved him from getting killed. What happened? वो clever था. कौन? Garald, जिससे कि वो बच गया, उसे वो मार नहीं सका. Garald not only successfully saved his own life but also catch a criminal and find a new plot for his next play too. Thus it was an interesting story to read. Now what happened? ग्राल्ड ना ही तो लास्ट खाली वो सक्सेस नहीं हुआ, अपने आप को बचाने में वो सक्सेस नहीं हुआ, उल्टा ही उसे और क्या मिला, एज वो ही वॉज अ राइटर, प्ले राइटर, उसे अपनी न्यू स्टोरी के लिए एक नया टॉपिक भी मिल गया कि किस तरह से वो इसे डील करे. नाउ सी व्हाट इज इन द स्टोरी. इफ आई विश यू स्टार्ट विथ अ प्ले राइटर ग्राल्ड प्रिपेयर टू लीव हिज होम टू अटेंड अ रिहर्सल. After talking on a phone, he started to pack his travel bag when he noticed an intruder enter from his right side. What happened? If I Wear You में क्या हुआ, Garald जो है वो अपने प्ले में जाने के लिए, रिहर्सल में जाने के लिए रेडी हो रहा था. एंड ही वॉज टॉकिंग इन अ फोन. जैसे ही वो फोन रखा, वो अपने बैग को पैक करने लगा. ठीक है, उसी टाइम उसने क्या नोटिस किया कि उसके राइट साइड में एक इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स एक किलर खड़ा हुआ है. ग्राल्ड नोटिस दैट ही हैज अ स्टार्क रिजेंबल्स टू ग्राल्ड एंड इज होल्डिंग अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड. नाउ व्हाट ही नोटिस कि उस इंट्रूडर के हाथ, इंट्रूडर के हाथ में क्या एक रिवॉल्वर भी है. दस ही लर्न्स दैट ही इज अ क्रिमिनल हु डायरेक्ट him to put his hand in the air. However, Garald is surprisingly cool even at a gunpoint and chats presently with him. Finally, the intruder make Garald sit on a chair. What happened? Garald जब उसके हाथ में revolver देखा तो वो समझ गया कि वो किस intention से यहाँ आया है. ठीक है, but
एज ही वॉज हैविंग रिवॉल्वर इन हिज हैंड, लेकिन ग्रैरल्ड ने हिम्मत से काम लिया, वो स्मार्टली वे में उससे बात किया एंड वो उसे अपने आप से कैसे दूर रखा। फाइनली क्या हुआ, इंट्रूडर ने उसे एक चेयर पे बैठने के लिए कहा। आफ्टर हेयरिंग हिज देयर कन्वर्सेशन वी लर्न दैट गैरल्ड इज अ मैन हु लिव्स अलोन एंड ओन अ कार, एंड गैरल्ड वॉज अ मैन, वो उस सिटी में अकेले रहता था और उसके पास एक कार भी थी और अपनी घर भी थी। इट इज क्लियर दैट ही इज अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस इन सम वे बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली इन एंड आउट। नाउ वॉट इट इज क्लियर कि वो अपने घर पे रहता भी नहीं था ज्यादातर, वो अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर इन एंड आउट, बाहर अंदर आना जाना करता ही था। वी सी दैट गैरल्ड स्टे एट होम एंड फॉर सम डे इजंट देयर। नाउ व्हाट हैपेंड, गैरल्ड बहुत दिन से अपने घर पे था नहीं, वो अपने काम से बाहर गया हुआ था और कुछ दिन बाद वो लौटा ही था। मोर ओवर ही ओनली टॉक्स ऑन फोन विदाउट रियली मीटिंग हिज ट्रेड्स मैन। नाउ व्हाट हैपेंड, अगर कोई ट्रेड्समैन, कोई अगर सेल्समैन भी उसके दरवाजे पे आता था तो वो दरवाजा नहीं खोलता है और वो जनरली अपना सारा काम फोन के थ्रू ही करता है। आफ्टर लर्निंग ऑल दिस ही कम्स टू नो अबाउट द इंट्रूडर टू। नाउ ही केम विद अ साइट्स ऑफ अ इंट्रूडर, उसके पास इंट्रूडर आया। ही इज अ क्रिमिनल हु इज मेनली अ ज्वेलरी रॉबर। ही वॉज अ क्रिमिनल, इंट्रूडर एक क्रिमिनल था और वो एक ज्वेलरी रॉबर था, मतलब ज्वेलरी चोरी करता था। आफ्टर किलिंग अ पुलिस मैन ही इज फीलिंग फ्रॉम अ पुलिस एंड ड्यू टू दिस रिसेम्बलनेस टू ग्रैरल ही प्लान्स टू किल हिम एंड अस्यूम हिज आइडेंटिटी टू गेट रिड ऑफ द पुलिस। व्हाट हैपेंड, ही वॉज अ ज्वेलरी रॉबर और एक बार वो किसी जगह से ज्वेलरी रॉब करके निकल रहा था और उसी दौरान उसने एक किसको किल किया, एक पुलिस मैन को वो किल कर दिया, जिस कारण से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उसने क्या सोचा, जेम्स ने क्या सोचा कि क्यों मेरा मैं इस ग्रैडल को ही मार के इसकी आइडेंटिटी ले लूं और पुलिस से बच जाऊं। ग्रैडल मेक्स आउट दैट द इंट्रूडर इज नॉट सो स्मार्ट बट ओनली ओवर कॉन्फिडेंट। नाउ टॉकिंग टू द इंट्रूडर, ग्रैडल ये कन्फर्म था कि ही इज नॉट ओवर स्मार्ट, दैट मीन्स कि वो स्मार्ट, सॉरी ही इज नॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ। डज ही प्लान समथिंग विटी एंड लाइज टू द इंट्रूडर। नाउ व्हाट हैपेंड, नोइंग दैट वो इंट्रूडर को अपनी बात में लुभाने के लिए उससे लाइज बोलने लगा, मतलब झूठ बोलने लगा। ही मेक्स अप अ स्टोरी दैट ग्रैरल इज ओनली अ क्रिमिनल एंड मर्डर्ड हिमसेल्फ, मच सिमिलर टू द इंट्रूडर। द पुलिस आर ऑल्सो आफ्टर हिम एंड ही इज एंड्स अप किलिंग ग्रैरल। The intruder will be killed either way. What happened now? ग्रैडल क्या बोलने लगा कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ, मैंने भी एक पुलिसमैन को मारा है, जिस कारण से पुलिसमैन मुझे भी खोज रहा है। ठीक है, उसने ये स्टोरी बनाई अपने आप को बचाने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, अगर तुम मुझे मारोगे, जेम्स को कहा कि अगर तुम मुझे किल करोगे और मेरी आइडेंटिटी लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कल के डेट में पुलिस तुम्हें भी मार देगी बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रिमिनल एंड द पुलिस आर फाइंडिंग ऑफ मी। अंडरस्टूड, सो द इंट्रूडर बिलीव्स हिज स्टोरी एंड द ग्रैडल कन्विंस हिम टू गो इन अ गैराज फॉर वेयर दे बोथ कैन फील इन हिज कार। नाउ डूइंग सो वो इंट्रोड्यूर को कन्विंस करता है कि तुम गराज में जाओ जहाँ मेरी कार है और मैं वहीं आता हूँ और हम लोग दोनों अपने गाड़ी में कार में कहीं और भाग जाएंगे। आफ्टर ओपनिंग द गैरेज डोर वी लर्न दैट इट वॉज एक्चुअली अ कबर्ड इन विच ग्रैरल लॉक्ड हिम द इंट्रूडर एंड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ हिज देयर वेयर अबाउट। दस वी सी दैट हाउ अ लिटिल अलर्टनेस एंड क्लेवरनेस सेव्स ग्लैडर्स लाइफ। व्हाट हैपेंड, ग्लैडर ने उसे कहा जेम्स को कि यहाँ पर इन अ राइट हैंड साइड देयर इज अ वन कबर्ड जिसमें डोर लगी हुई थी, तो उसने क्या बोला कि दिस इज माई गराज, सो आप तुम गराज पे जाओ, मैं भी आ रहा हूँ साथ में और हम लोग अपने गाड़ी में भाग चलेंगे कहीं और। सो इंट्रोड्यूर ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, ही वॉज नॉट सो स्मार्ट, वो ग्रैडल की बातों को सच मान लिया और वो क्या किया, उस डोर को खोल के उस पर चला गया एंड दैट वॉज अ कबर्ड। तो ग्रैडल ने क्या किया, उस कबर्ड को
लॉक कर दिया. अंडरस्टूड? आफ्टर लॉकिंग द इंट्रूडर इनसाइड, वो क्या किया ग्रैडल, वो पुलिस को कॉल किया और उसे हैंडओवर कर दिया. दिस शोज हाउ अलर्टनेस एंड क्लेवरनेस वे ग्रैडल सेव हिज लाइफ. सो दिस स्टोरी इज अबाउट व्हाट, दिस स्टोरी इज अबाउट अगर इफ आई वी वॉन्ट टू सेव आवर लाइफ फ्रॉम एनीबडी व्हाट्स एवर इन एनी मैनर, वी शुड बी क्लेवरनेस एंड अलर्टनेस इन आवर ओन वे. हमें अलर्ट होके क्लेवर होके अपने काम को करना होगा. अदरवाइज अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो मेरा काम कर देगा या वो मुझे मार डालेगा या वो मुझसे मीन्स जानबूझ के कुछ भी हड़प लेगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी. इफ यू आर स्मार्ट इनफ क्लेवर इनफ टू डू योर ओन वर्क एंड टू ट्रीट अदर्स इन अ सेम वे, नोबडी कैन चीट यू, इजंट इट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट चैप्टर, अगेन आई एम सेइंग, ऑफ योर बिहाई बुक. नाउ प्लीज गो थ्रू इट एंड गो थ्रू द समरी ऑल्सो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.